हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छे आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, फाइनली यूके ट्रिपल एससी ने कर्मशाला अनुदेशक यानी कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पोस्ट थी उसका रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इसमें कर्मशाला जो अनुदेशक पोस्ट आई थी ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही मैकेनिकल, ठीक है, तो दोनों ट्रेड्स की यहाँ पे ये वैकेंसी थी और इसका रिजल्ट अभी जारी हुआ है। हालांकि बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में मेरिट थोड़ा ज़्यादा गई है जबकि मैकेनिकल की मेरिट कम गई है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम आयोग के द्वारा बता दिया गया है। कर्मशाला अनुदेशक जो है आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्रमांक 1 से 29 तक, और कर्मशाला अनुदेशक मैकेनिकल क्रमांक 1 से 31 तक, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 अप्रैल को होगा। इसके बाद देखिए, कर्मशाला अनुदेशक जो मैकेनिकल हैं क्रमांक 32 से 91 तक शुक्रवार, 92 से 151 वाले सोमवार, और 152 से 194 तक वाले जो है वो मंगलवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे इसमें, ठीक है। और ध्यान रखें दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आयोग के द्वारा जो भी चेकलिस्ट है उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके ले जाएं। और सभी अभ्यर्थियों को मैं बोलूँगा कि आप सभी को यहाँ पर बहुत बहुत बधाई है, बहुत लंबा समय लगा इस रिजल्ट को आने में। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो देखिए इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ गई है भाई, बहुत ज़्यादा गई है ये कट ऑफ, ठीक है। इतनी कट ऑफ जाना यानी कि बहुत कंपटीशन था इसका, मतलब बच्चों के बीच में 85 जो है टॉपर है, उसके बाद जो कट ऑफ गई है लास्ट जनरल की वो आपकी देख सकते हैं। तो जनरल मेल की गई है भाई कट ऑफ, देखिए एससी जनरल मेल 15वीं रैंक और 79 गई है भाई कट ऑफ, देखिए बहुत ज़्यादा गई है ये कट ऑफ। ऐसे एससी की भी मैं बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब जबकि बात करते हैं मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में आपकी कट ऑफ थोड़ा कम गई है, टॉपर 81 वाले हैं भाई, उसके बाद वेरिएशन काफ़ी हुआ है जो मेरिट लिस्ट है, और लास्ट मेरिट आते आते भाई ओबीसी आते आते मेरिट काफ़ी डाउन हुई है, ठीक है। तो फीमेल जनरल की तो आप देख सकते हैं इसमें 45.75 भी गई है, और जबकि जनरल मेल की मैं बात करूँ दोस्तों, तो जनरल मेल की यहाँ पर गई हुई है आपकी 65 के अराउंड, ठीक है। तो जनरल मेल की जो है यहाँ पर ठीक गई है मैकेनिकल वाले में, और ऐसे ओबीसी में काफ़ी कम गई है जनरल मेल की। ओबीसी में आप देख सकते हैं जनरल मेल की आई थिंक 59 के आसपास कट ऑफ गई हुई है, ठीक है। ऐसे एससी में देखिए मैकेनिकल वालों की कट ऑफ काफ़ी कम गई है, तो मेल एससी की जो लास्ट कट ऑफ है भाई 56 है, ठीक है, और फीमेल की आप देख सकते हैं 38.75 है भाई, फीमेल की काफ़ी कम आई है। ऐसे एसटी की बात करते हैं तो एसटी की भी जो कट ऑफ है भाई देख सकते हैं, मेल एसटी, तो मेल एसटी की लास्ट कट ऑफ गई है 57.25 एंड फीमेल की गई है 49, ठीक है। ऐसे पीएच की भी आई है लिस्ट, तो पीएच कैंडिडेट की लगातार देखिए आप देख सकते हैं बहुत कम गई है 48.75 एंड 47.25, ठीक है, यानी कि कट ऑफ जो है 47.25 है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ, और ऐसे ही अभी रिजल्ट आने वाला है आपका, फाइनल रिजल्ट आएगा अभी, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी 746 कनिष्ठ सहायक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है, जो भी इसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया थे सभी प्रमाण पत्र आपके पूरे होने चाहिए, तत्पश्चात आपका फाइनल रिजल्ट इसमें घोषित होगा, ठीक है। और इसके अलावा अभी मेरे को लगता है कि एक रिजल्ट और है पुलिस दूरसंचार का, और एक रिजल्ट और होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ रिजल्ट हैं यूके ट्रिपल एससी के जो पेंडिंग थे वो जल्दी ही घोषित होंगे। सचिवालय रक्षक स्नातक स्तरीय और वन दरोगा रद्द हो गया था, बाकी इसके अलावा जो भर्तियां थी भाई उनका रिजल्ट धीरे धीरे आयोग दे रहा है। तो पुलिस दूर संचार यानी कि हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन वाली जो पोस्ट थी उत्तराखंड पुलिस की, उसका भी रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी थे ये वाली भर्ती के, वो निश्चिंत रहें, ठीक है। बाकी आपको जल्दी मिलते हैं दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करें, ऐसे ही एक दिन मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम होगा, बस अपने आप पे विश्वास रखें और मेहनत करते रहें। सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा इस दुनिया में कोई हथियार नहीं है, और सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपसे दूर नहीं है। सरकारी नौकरी की सफलता तो मात्र एक छोटा सा टास्क है, आप इसको बहुत बड़ा लेकर ना चलें, आप जीवन में इससे भी बहुत बड़ा कुछ पा सकते हैं, बस अपना जो मोटिवेशन है, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय देवभूमि।